من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students आज हम करेंगे इकरार दावा चैप्टर जो है क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए EVS उसके क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इज देयर एनी प्लेस टू प्ले नियर योर हाउस क्या आपके मकान के साथ कोई खेलने की जगह है आंसर आंसर हम लिखेंगे यस देयर इज अ बिग पार्क नियर माय हाउस मेरे मकान के नजदीक एक बहुत बड़ी पार्क है Which is good place for playing? वो खेलने के लिए बड़ी मौजूद जगह है क्वेश्चन नंबर टू अब है क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास What do people play there? तो लोग वहां क्या क्या खेल खेलते हैं Who plays there? वो वहां कौन लोग खेलते हैं तो इसका आंसर हम लिखेंगे People play different games in that park. तो उस पार्क में लोग मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं मुख्तलिफ खेल खेलते हैं जैसे सच एज फुटबॉल फुटबॉल है बैडमिंटन बैडमिंटन है क्रिकेट खो खो कबड्डी एक्सेट्रा तो कौन लोग खेलने आते हैं वहां पर बहुत बॉयज एंड गर्ल्स दोनों लड़के और लड़कियां जो हमारे इलाके के हैं वो वहां खेलने के लिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है डू द चिल्ड्रन ऑफ योर एज आल्सो गेट अ चांस टू प्ले देयर क्या आपके उम्र के बच्चे भी वहां उनको मौका मिलता है वहां खेलने का आंसर यस अदर चिल्ड्रन ऑफ माई एज ऑफ प्ले देयर मेरे हम उम्र जो है जो दूसरे बच्चे हैं मेरी एज के वो भी वहां उनको भी खेलने का मौका मिलता है वहां पर वो भी अक्सर वहां पर खेलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट अदर थिंग्स हैपन एट दिस प्लेस तो इस पार्क में और क्या क्या होता है बिसाइड्स गेम्स जो गेम्स हमने मेंशन किए इसके अलावा पीपल आल्सो डू अदर एक्टिविटीज वहां कुछ और एक्टिविटीज भी लोग करते हैं जैसे उस पार्क में जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं पब्लिक मीटिंग्स जो होती हैं वो वहां पर होती हैं मुनक्कद होती हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक्स और सुबह और शाम वो वॉक भी करते हैं इस पार्क में क्वेश्चन नंबर 5 हैज एनीवन स्टॉप्ड यू फ्रॉम प्लेइंग सम गेम्स व्हिच गेम्स क्या किसी ने आपको कोई गेम खेलने से कोई खेल खेलने से रोका तो अगर रोका तो वो कौन सा गेम है यस आई वाज स्टॉप्ड फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल हाँ मुझे फुटबॉल खेलने से रोका गया था हु स्टॉप्ड यू एंड व्हाई What did you do then? किसने आपको रोका फुटबॉल खेलने से और फिर आपने क्यों रोका What did you do then? तो आपने फिर क्या किया My mother stopped me from playing football. मेरी माँ ने मुझे फुटबॉल खेलने से रोका Because she said I would get many injuries while playing football. क्योंकि उसको लगता था कि अगर मैं फुटबॉल खेलूंगा तो मुझे बहुत सारी चोटें आ सकती हैं Then I called one of my senior colleagues from neighborhood. तो वहाँ पास ही में मेरा एक सीनियर साथी था तो उसको मैंने बुलाया उसको मैंने बताया कि इस तरह है तो ही एक्सप्लेनड एंड कन्विंस्ड हर तो वो मेरी माँ के पास आया उसको समझाया और उसको बनाया तो आज हमने क्वेश्चन 5-6 तक किए तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको उनके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज़